ऑल्डिसगढ़ में आपका स्वागत। और आज मैं एक होम्योपैथिक दवा जिसको मर्त संजीवनी कहा जा सकता है, जिसका नाम कार्बो वेजिटेबिलिस है, तो मैंने अभी अभी उसका भाग एक दिया। आवश्यक काम आने से मेरे को उठना पड़ा। अब बाकी का जो भाग दो है वो मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो मैं इसके पहले तक आपको बताया कि ये कार्बो वेजिटेबिलिस जो दवा है इसके बराबर पूरी होम्योपैथी के अंदर इसके बराबर शक्तिशाली दवा एक भी अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर बता दे, वो सवाल कर सकते हैं इस तरह का, किस तरह का कि शक्तिशाली से क्या मतलब है, जिसके लक्षण होते हैं वही शक्तिशाली होती है। मैं मानता हूँ, एग्री हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ, जो वाजबी बात है मैं चार बार मानूंगा, लेकिन मैं शक्तिशाली उसको समझता हूं जो मृत्यु के मुंह से आदमी को इसमें दो दवाइयां हैं सिर्फ पूरी होम्योपैथिक में, लेकिन नंबर वन तो कार्बो वेजिटेबिलिस है और नंबर दो वो आपको उस वक्त मिलनी या हर जगह मिलनी संभव नहीं, जिसका नाम एकोनाइट नेपलेस सीएम पोटेंसी। अगर मृत्यु के मुख के अंदर रोगी जा रहा है तो उसके मन के अंदर और सब जगह डर तो रहता ही है कि मैं मरूंगा मरूंगा सोचता है, बोल सकता नहीं। तो अगर उस वक्त एकोनाइट 1 लाख पोटेंसी और कार्बोवेज 1 लाख पोटेंसी दोनों के दो दो बूंद डाल दिए जाएं तो बीमा कर सकता हूं कि वो उस वक्त तो नहीं मरेंगे, आधे घंटा बाद चाहे मर जाए। क्या बात करते हो आप। हाँ, तो मैं कार्बो वेजिटेबिलिस जो कोयले से बनता है, ये जो जनरली कोयला होता है लकड़ी का, इससे बनता है, शक्तिकृत होने के बाद बहुत ही है, इसलिए आप भाग पहला पढ़ो उसके बाद अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसके नाक से संबंधित लक्षण, किसी भी समय नाक से खून आना, चेहरे का रंग पीला होना, नाक की नोक का ये रंग है लाल होना, उस पर पपड़ी सी जमना, नाक के नथुनों में आसपास खुजली सी होना, नाक की नाड़ियों के उभर आना, छींक आती हुई सी महसूस होना, ऐसे लक्षण हो तो कार्बोवेद 200 देने से ठीक हो जाते हैं। इसके रोगी की जीभ सफ़ेद या पीले रंग की परत का जमना, जीभ पर छाले होना, किसी भी चीज़ को चबाते समय दांतों में दर्द सा होना, मसूड़ों में खून और पीप का आना जैसे लक्षणों में कार्बो वेजिटेबल्स देना चाहिए। 200 से कम तो देना ही नहीं चाहिए। एक चीज़ याद रखे, हमेशा ही कोई भी दवा हो होम्योपैथिक की, मैं चैलेंज देके कहता हूँ, अपने अनुभव के आधार पे कहता हूँ कि जो यांत्रिक रोग हैं, यांत्रिक रोग जैसे वाल, जैसे किडनी, जैसे हृदय, जैसे जो शरीर के अंदर नाजुक बीमारियां अथवा बुखार अथवा इस तरह की, जो देखो दो तरह के रोग होते हैं, एक तो रोगी कमजोर होकर के उसके शरीर में कई रोगों का प्रवेश हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में चाहे कार्बो वेजिटेबिलिस हो, चाहे आर्सेनिक एल्ब हो, चाहे एकोनाइट हो या कोई भी दवाई हो, हमेशा 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कार्बोवेज की, ये एक ऐसी दवा है और शेफ दवा है, लेकिन अगर किसी को पेट फूल रहा है, गैस्ट्रिक हो रही है, तो वो कार्बोवेज 1,000 या 10,000 या 1 लाख लेने की भूल कभी न करें। उनको 30 पोटेंसी लेना चाहिए जो हर जगह मिलती है। 3x पोटेंसी हो तो वो ले लो, 6 पोटेंसी हो तो वो ले लो, उसको बार बार आधी आधी घंटे में 3 खुराक रिपीट कर लो। पेट में गैस बन रही है, कार्बोवेज 30 है आपके पास, लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक फेल क्यों होती है। ये यूं होती है, किसी ने नहीं बताई होगी ये रहस्य की बात कि ये फेल क्यों होती है। क्या बात करते हो आप। अगर कोई हमारी बात को काट देना
कल के तारीख के अंदर इस्तीफा दे दूं मैं, मेरे को लालच नहीं है। वैसे भी मैंने निश्चय कर रखा है कि निश्चित तारीख को अपने को संन्यास लेना और बालाजी की भक्ति करनी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बाकी है। कोई आदमी का कोई लक्ष्य होता है, कोई का कोई लक्ष्य होता है। बालाजी कहते हैं कि अभी थोड़ा रुक जाओ, और है तुम्हारे पास, पूरी जेबें खाली करके और फिर मेरे पास आओ। ठीक है, बाबा का हुक्म है। तो मान लीजिए आपको गैस पेट, मैं कहूँ वैसे आप करके देखो, अगर मेरी बात सत्य ना हो तो मेरे साथ जूते मार देना। पेट में गैस है और आप कोई डॉक्टर के पास गए, क्या मेरा पेट भारी है, गैस पास नहीं हो रही, बेचैनी हो रही है, छाती पेट, वो आपको सही दवा लिखेगा, कार्बोवेज 30%, एक पुड़िया बांध के दे देगा, एक अभी खा लेना, एक रात को खा लेना, अथवा एक अभी खा लो, एक दोपहर को खा लो, एक रात को खा लो। उसने बिल्कुल सही दवा दी, लेकिन रोगी को आराम नहीं, और वो ही रोगी या उस तरह का ही रोगी मेरे पास अगर आता है कि मुझको ये बात है, तो मैं उसको मेरे सामने ही 15 मिनट बैठ, 5-5 मिनट में कार्बो वेजिटेबिलिस 30% की 3 खुराक तो मैं खिला देता हूँ, बाकी की बांध देता हूँ कि 1-1 घंटे से खाते रहना। वो उसको याद ही नहीं कि मेरे को गैस की बीमारी हुई क्या। 2 खुराक जाते ही वो उसकी तबीयत चंगा। तो बार बार प्रहार करना चाहिए कि रोगी दुख पा रहा है, इसको जल्दी ठीक करो। तो बार बार प्रहार हाइपोटेंसी से भी किया जा सकता है, लो से भी किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर की भीतरी मशीनरी की जो बीमारी होती है, किडनी फिडनी सब आ गए, उसमें 30% ज़्यादा से ज़्यादा या उससे और नीची पोटेंसी हो तो बल्ले बल्ले 6 पोटेंसी। पुरानी जितनी किताबें हैं ना उनमें 3 और 6 पोटेंसी लिखा है। मदर टिंचर में 3 से 5 बूंद लिखी, जहाँ तो हम 20 देते हैं, तो समय के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था कि ऐसी स्थिति के अंदर मान लो आपकी दवा नक्स ओमेगा 30 निकलती है आपके लक्षणों में, तो आप 15-15 मिनट में 2-3 खुराक ले लो, उससे आपको आराम आ जाए, तो फिर 3-3 घंटे में लो। ये थोड़ा ही आप लेते ही रहो, ये नहीं कहा मैंने। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक दवा जो आपके लक्षणों से निकलती है और इस तरह से देते हैं, आराम नहीं मिलता, तो इसका मतलब है उसको बार बार दोहराना चाहिए। और ये टेक्निक बहुत डॉक्टरों को है, मैं ये नहीं कहता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैं 1 बार के 1000 बार भी जन्म ले लूँ तो आयुर्वेद या होम्योपैथी एक अक्षर नहीं जान सकता, इतनी गहन चिकित्साएं हैं ये है? मैं क्या दावा करूँगा, मेरा ये जन्म खत्म हो गया फिर भी मैं आधा का आधा ही रह गया। तो इसी तरह अब ये तो लो पोटेंसी शरीर में तकलीफ होने की, अब अगर कोई रोगी एकदम से दीवार से गिर जाए और उठ के चलने लगे, मर गया ये दुख था, तो उसकी दवा बनती है आर्निका मोंटेना। अरे जहाँ उसको आर्निका मोंटेना 30% अगर आप 3-4 दफा भी देंगे तो भी काम नहीं करेगी, 1000 पोटेंसी दो, 10 मिनट बाद फिर 1000 दो, 10 मिनट बाद फिर 1000 दो, उसके बाद गैप कर दो, उसके बाद 10-10 दिन में दो ना। क्योंकि इसमें ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, मैं हर चीज बता के जाऊंगा, जो बारीकियां हैं ना जो आपको किसी ने नहीं बताई वो सब मैं बता के जाऊंगा। देखो
जो चीज शरीर के अंग है, लीवर, लीवर को ले लो, पीलिया ले लो, वो धीरे धीरे ही शरीर के अंदर होते हैं। कोई दारू पीता है या किसी को खान पान सही नहीं है, अथवा जो भी बात है, तो वो धीरे धीरे ही होते हैं और अंदर की तकलीफ बन जाते हैं। तो जो रोग धीरे धीरे आते हैं काफ़ी समय के अंदर, तो उनको धीरे धीरे ही, उनको पता नहीं चले, निकाल के बाहर फेंक दो भाई। मजा आ गया यार दोस्तों। अरे मेरी धन्नो चले ना। तो इस तरह का ये एडजस्टमेंट, ये कोई किताब में नहीं लिखा, ये किताबें पढ़ी। आप कमेंट्स में लिखते हो ना कि इसको मैं देख करके लिखता हूँ, देखना मदद लेना है। निगाह कमजोर है, बड़े अक्सर हैं, उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि अगले की भी कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं क्या देखूंगा, मैं 2 घंटे तक कार्बोवेज पे बोल सकता हूँ बिना देखे ही, लेकिन लिख देते हैं। अरे तो कहीं ना कहीं से तो मदद लेनी पड़ेगी ना, उसमें क्या हो गया, कौन सा जुल्म हो गया। जवाब तो मुझे देना पड़ता है। आप फोन पे पूछते हो तो मैंने कभी ये तो नहीं कहा मैं किताब देख करके और आपको बताऊंगा। मैं तो हाथों हाथ जवाब देता हूँ ना, तो वो कैसे देता हूँ, क्या किताब मेरे हाथ में रहती है। इसलिए इस तरह के कमेंट खैर कर सकते हैं आप। हाँ तो मैं कह रहा था कि कार्बोवेज, तो जो इस तरह धीमी गति से आने वाले रोग जो हैं, हेपेटाइटिस वगैरह जो भी हैं, उनकी जो भी दवाइयां बनती हैं, वो 6 पोटेंसी और 30 पोटेंसी और मदर टिंचर, इनमें 2 और उनको निरोग करो। वो कहते हैं कि आज का आज ठीक करो तो हाथ जोड़ लो। और जो अकस्मात तकलीफ होती है, अकस्मात तकलीफ हार्ट की भी होती है, रोगी कल तक क्या अभी एकदम चंगा जैसे मैं बैठा हूं, कोई पता नहीं 1 सेकंड का ही, और बैठे बैठे ही थोड़ी सी एक लकीर सी चली, अल्लाह का प्यारा हो गया। इतना भी चांस नहीं देता ये रोग पाजी। और जिनको चांस अगर मिलता है, अधिकतर कोई भी चीज का इंडिकेशन होता है, उसको वॉच करना अलग बात होती है। कई लोगों ने दर्द होता कि आज ऐसे वायु का दर्द है, चला जाएगा चला जाएगा, उस चक्कर के अंदर अटैक आके मर जाते हैं बहुत से। अब बहुत से बहुत सतर्क होते हैं कि जरा सा यहाँ होते ही डॉक्टर के पास जाके ECG कराओ। हर आदमी अपने अपनी सोच रखता है। तो आप बिल्कुल निरोग हैं और घर पे हैं, आपको अगर इस तरह की कोई चीज तकलीफ हो गई, या दर्द हो गया या और गया, या पीठ में दर्द हो गया, और आपके पास आर्निका सब पोटेंसी में पड़ी है, तो आपको आर्निका 1 लाख की एक खुराक ले लेनी चाहिए। वो इसलिए ले लेनी चाहिए कि आप उसके 10 मिनट पहले निरोग थे और गिर गए, या कैसे भी हो गया, कुचलने जैसा दर्द हो गया, आर्निका उसकी दवाई है। 1 लाख की एक खुराक लेते ही आपको 15 मिनट के अंदर आ गए तो मैं जान से आया, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बाद में चाहे कराता रहे। तो ये पोटेंसी निर्णय लेना ही होम्योपैथी का नाम है। नक्स भूमिका मदर टिंचर लेने की भी जरूरत नहीं है, 30 में लेने की जरूरत नहीं है। मदर टिंचर की भी वो एक ताकत के लिए लेते हैं, अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि जिसके पेटों का रोग है, लिवर का रोग है, अंडाशय का या कोई भी, उसको नक्स भूमिका 30 पोटेंसी लेनी चाहिए दिन में 3 बार या 4 बार। और जहाँ डिप्रेशन है, कब्जी है, तो रात को सोते वक्त 200 पोटेंसी लेनी चाहिए। तो रात को 200 पोटेंसी ली हुई 30 पोटेंसी बनती है। वो कैसे बनती है कि आप लेकर के सो गए, इसलिए कोई चिंता नहीं।
तो ये एक बहुत जरूरी है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कार्बो वेजिटेबिलिस जो आमाशय है उसमें भारीपन होना भोजन करने के बाद या पानी पीने के बाद डकार आना कार्बोवेज का लक्षण है। इसमें डकार धमाकेदार आती है, लेकिन अर्जेंटम नाइटिक्रम में भी डकार धमाकेदार आती है। आप कौन सी दवा दोगे? रोगी तो एक ही बात कहेगा ना, डकार आती है। तो उसके लक्षण के अंदर अगर ये आता है कि मीठा खाता खाने का बहुत इच्छुक हूँ मैं, अक्सर इसी से मेरे को पेट खराब होता है, डकार आती है, तो उसको कार्बो वेजिटेबल्स न देकर के अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी देनी चाहिए। और कोई कहे कि मैं बिल्कुल सही था, मेरे पेट में गैस बन गई, तो कार्बोवेज दे दो। तो आमाशय में जलन, देखो जो कोयले से बनी हुई दवा चीज है तो कोयला एक तो धधकता है और एक जलता है लो करके और एक बुझ जाता है। तीन क्रियाएं कोयले में होती है। घर में अपने बहन बेटी भी पहले कोयले को ऐसे करके जलाएगी, जलाने के बाद वो धधकने लग जाएगा, तो कोई पापड़ सेकना या कोई खिचड़ी पकाना वो आप कर लीजिए। अब उन कोयलों की आवश्यकता नहीं रही तो या तो यूं छोड़ दें तो वो अपने आप बुझ जाते हैं, या कोई से तगारी से ढक दें तो बुझ जाते हैं, या थोड़ा पानी का छींटा देके वो दोबारा वापस सूखने के बाद काम आ जाते हैं। तो कार्बोवेज कोयले से बनी है और कोयले के अंदर जो जो चीज़ें होती है, धधकना, जलना, बर्निंग करना, है ना, तो वो चीज़ें जितनी शरीर में कोई है तो कार्बोवेज देने से ठीक हो जाती है। और आमाशय में जलन जो पीठ तक फैल जाती है, आमाशय में कमजोरी आना और बेहोशी सी छाना, मरोड़ के साथ दर्द का उठना, भोजन करने के कुछ देर बाद परेशानी महसूस करना, इसका पेट का लक्षण है। भोजन करने के कुछ देर बाद, अब यहाँ मतभेद पैदा होते हैं, कुछ देर बाद अगर ऐसा होता है तो आप कार्बोवेद दीजिए। अब किसी ने खाना खाते ही कहा कि मेरा पेट गड़बड़ा, एक मिनट भी नहीं हुआ, मतलब टावल से हाथ भी नहीं पूछा, खा के उठते ही कहा मेरा पेट गड़बड़ा, आप नक्स दोगे तो फेल है, कार्बोवेद दोगे तो फेल है, उसकी दवा है खाना खाते ही तकलीफ का बढ़ना, लाइकोपोडियम 30। एक खुराक दो ठीक हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो हमेशा। हाँ, जो स्त्रियां बच्चों को अपना दूध पिलाती है उन्हें पेट में दर्द होने के साथ अफारा होना, दूध, मांस और चिकनाई वाले पदार्थों को देखते ही जी का खराब होना, पेट के ऊपरी भाग में बहुत ही नाजुक हो जाना, या आदमी को ऐसे लगता है कि यार यहाँ कुछ कमजोरी है, ऐसे लक्षण अगर हो तो कार्बोवेज देना चाहिए। पेट के लक्षण, पेट में भारी वजन उठाने जैसा दर्द होना, किसी चीज की सवारी करते समय पेट में दर्द होना, बदबूदार हवा का बाहर निकलना, टाइट कपड़ों को पहनने से परेशानी होना, आंतों में भयानक जख्म होने के साथ साथ भगंदर होना, पेट का फूल जाना, जिगर में दर्द होना आदि लक्षण अगर मिलते हैं तो कार्बोवेद देना चाहिए। ये पेट के सब अंगों पे काम करती है, जिगर पे, तिल्ली पे, पेट पे, आमाशय पे और भोजन नलिका पे। जलन हो रही है गले के अंदर, अबे जलन हो रही है, कहाँ हो रही, कैसी हो रही है, यार जैसे आग लग गई है, तो उसको एसिडिटी की और कोई दवा नहीं देंगे, कार्बोवेज दीजिए, उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए भाई, जलन किस तरह की है। हाँ, आगे जो मलांतर है, अपन जो टॉयलेट करते हैं तो वहाँ पे खुजली होना, मलद्वार में गर्मी सी महसूस होना,
बदबूदार हवा का बाहर निकलना, मलांत्र से थीका सा स्राव आना, रात को सोते समय मूलाधार नाभि पर खुजली सी के साथ स्राव होना, मलांत्र से खून का आना, मल द्वार में जलन होना, बूढ़ों को परेशान करने वाले दस्त, मल का अपने आप ही बार बार निकल जाना, बवासीर के नीले रंग के जलन के साथ मत्स्य होना आदि लक्षणों में कार्बो वेजिटेबिलिस रामबाण दवा है। अगर किसी रोगी को कार्बो वेजिटेबिलिस दी जाए तो रोगी को काफी लाभ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज वो पहले भाग में वो नहीं किया बंदा पर्वत, फिर कोई बात नहीं, ये जो दवा है ये एक ताकतवर दवा है। इस तरह की नहीं है कि भाई इधर खाई एक घंटे में टनाटन हो गया, वो वाली चीज़ पूरे शरीर को ताकत देती है और आपकी बीमारी को ख़त्म करती है, लेकिन आपको इतना पेशेंस रखना चाहिए, कार्बोवेज से आपके कुछ लक्षण मिलने चाहिए, पेशाब में जलन या जीभ में जलन या आँखों में जलन, जलन जलन की तीन दवाइयां है, कार्बोवेज में जलन, कैंथेरिस में जलन, एकोनाइट में भी जलन, आर्सेनिक में भी जलन, कई दवाइयां हैं जलन। अब जलन में से कौन सी तरह का जलन है वो आपको निकालने हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि ये पुरुष के सेक्स के ऊपर क्या काम करती है। मल क्रिया के दौरान जो पुरस्त ग्रंथि है तो उससे द्रव सा टपकते रहना, बहुत से कहते हैं ना पेशाब करते हैं जब कुछ निकलता है, तो इस तरह वीर्यपात अगर जो होता है तो कार्बो वेजिटेबल देने से बंद हो जाएगा। अंडकोश के पास के हिस्से, जांग में खुजली और नमी, अगर ये लक्षण है तो कार्बोवेज देना चाहिए। स्त्री के मासिक स्राव से पहले और बाद में बहुत मात्रा में रक्त का आना, तो रक्त के आने से कमजोरी हो जाती है तो कार्बोवेज देने से खून की पूर्ति होती है। योनि की सूजन अगर होती है तो कार्बोवेज देना चाहिए, क्योंकि सूजन होकर के छाले हो जाते हैं गर्मी से। योनि के बाहर हिस्से पर दाने से निकलना, इसमें भी ये फायदा करती है। मासिक स्राव आने के पहले प्रदर गाढ़ा हरा दूध या ओटिका सा आना, मासिक धर्म के दौरान हाथों और पैरों और तलवों में जलन होना, जलन का तो मैं बोल ही दिया आपको, अगर किसी को कहीं जलन नहीं है तो काम करेगी या नहीं करेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये सब लक्षण कार्बोवेज के हैं। इसके रोगी दमे की ये खास दवा है, दमे का रोगी हांफता है, तो कार्बोवेज की जो पूरक दवा है कॉम्प्लीमेंट्री वो है आर्सेनिक, आर्सेनिक की कार्बोवेज, यानी कि आर्सेनिक 30 दिया फायदा हुआ रोगी को, फिर फायदा होना बंद हो गया तो कार्बोवेज 30 उसको ठीक कर देगा। इसी तरह कार्बोवेज 30 दिया फायदा हुआ रुक गया तो आर्सेनिक 30 उसको ठीक कर देगा। एक ही बिरादरी की है और कमजोरी की है ये दवाइयाँ। तो दमे के रोग के अंदर सांस लेने की नली में खुजली होने के साथ खांसी सी होना, दम सा घोट देने वाली खांसी का होना, आवाज का बहुत ज्यादा खराब होना, जो थोड़ा सा ऊंचा बोलते ही आवाज खराब हो जाती है, शाम के समय दम घुटता हुआ सा महसूस होना, खांसी का काफी देर तक होते रहना, खांसी के साथ छाती में जलन सी महसूस होना, शाम के समय भोजन करने के बाद और बोलने से खांसी का बढ़ जाना, बदबूदार बलगम का आना, फेफड़ों से खून का आना। अब खांसी के अंदर ज्यादा खस 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 करते हैं ना, तो क्या होता है कि कफ के अंदर एक काद कतरा खून का दिख जाता है, और रोगी को अगर वो दिख गया
वो दूसरे दिन सारी जांचें करा लेता है, जबकि उसको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे को खांसी आ रही है इस वजह से ये है, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। तो फेफड़ों से खून आना अगर खांसी के साथ, तो कार्बोवेट देने से 30 पोटेंसी 10-20 दिन देने से ठीक हो जाता है। और जो शरीर के बाहरी अंग हैं, जैसे हाथ पैरों का सुन होना, पेशियों का कमजोर होना, शरीर के सारे जोर ढीले पड़ जाना, जांघों के आगे के हिस्से की हड्डियों में दर्द होना, पैरों के तलवों में ऐंठन आना, पैरों के अंगूठों को सूज कर लाल हो जाना, हाथ पैर और हड्डियों में जलन होना आदि लक्षणों में कार्बोवेट देना चाहिए। बुखार के अंदर बाजुओं से शुरू होकर ठंड का पूरे शरीर में पहुंच जाना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में जलन सी महसूस होना, भोजन करते समय पसीने का बहुत ज़्यादा आना, कमजोरी लाने वाला पसीना आना आदि लक्षणों पे कार्बोवेज का प्रयोग करना चाहिए। चरम रोगों के अंदर चरम नीला पड़ जाना, नसों का फूल जाना शाम के समय और रात को समय, खुजली का होना, त्वचा पर बहुत ज़्यादा पसीना आना, बिस्तर पर पड़े होने वाले जख्म, यानी कि बेड सोल हो जाते हैं, कई लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि वो करवट नहीं बदलते तो बेड सोल हो जाते हैं। इसमें आर्सेनिक एक खास दवा है और कार्बोवेज खास है, दोनों को मिला के दो बेड सोल ठीक हो जाएंगे। हाँ, बिस्तर पर पड़े पड़े होने वाले जख्म, चमड़ी से बदबूदार स्राव आना, उस पर बदबू आएगी उनके अंदर, शरीर के ऊपर नीले या बैंगनी रंग के दाने निकलना आदि लक्षणों में कार्बोवेज देना चाहिए। इसके रोगी की तकलीफें शाम के समय, रात को और खुली हवा में, सर्दी से, पकवान खाने से, मक्खन खाने से, कॉफ़ी पीने से, दूध पीने से, गर्म नमीदार मौसम में शराब पीने से रोग का बढ़ना, और इसके रोगी को आराम डकार आने से, पंखा करने से। अब कार्बोवेद का जो रोगी है, कहीं गए अपन, मान लो रिश्तेदारी में या कोई भी काम गए, डॉक्टर के गए, जांच में गए और गए, तो कोई कारण से लाइट बंद हो गई, पंखे बंद हो गए, या एसी या कूलर जो भी है बंद हो गए, तो जो कार्बोवेज के रोगी नहीं हैं वो ज़्यादा चीख चिल्लाट नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे। और कार्बोवेज का रोगी है, जिसके शरीर में कार्बोवेज की तकलीफ है, वो कहेंगे मर गए गर्मी यार, बाहर चलते हैं हवा में, और बैठा बैठा जो भी चीज़ उसके अखबार और हाथ लगेगी ना। तो कार्बोवेज का रोगी कहता है पंखा तेज कर दो, मेरे को हवा की आवश्यकता है, मेरी तबीयत ठीक रहती है। इस एक दवा और है लेकेसिस, उसका रोगी कहता है कि पंखा तो चले लेकिन धीरे चले। तो ये फर्क निकालना होता है। तो कार्बोवेज का रोगी पंखे की तेज हवा पसंद करता है, जब पंखे नहीं हो तो जहाँ भी अच्छी हवा है वहाँ वो अपने आप को निरोग समझता है, और जहाँ हवा का आवागमन कम हो गया तो कार्बोवेद के रोगी को बेचैनी होगी, बाकी आदमियों को नहीं होगी। अब बहुत से आदमी हैं उनको एसी के बिना नींद नहीं आती, और बहुत से ऐसे हैं जो खुले के अंदर, धूप के अंदर, पत्थरों के ट्रक के ऊपर सो रहे हैं, मजदूर हैं, नींद ले रहे हैं, वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, हैं? तो अपन ने अपने शरीर को जिस तरह बना लिया उस हिसाब से, और कार्बोवेज से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है और इसको बेअसर करना है, तो कैम्फर कपूर को सूंघ लेना चाहिए, या इतना सा कपूर की डली को पानी से खा लेना चाहिए, इसका असर खत्म हो जाएगा। और इसके काम को अगर आगे बढ़ाना है, जो इसने काम किया वो कम ना हो, तो आर्सेनिक ले सकते हैं कार्बोवेज के बाद में। वैसे इसकी जो तुलना की जाती है कार्बोवेजिटेबल, इसकी तुलना
एक तो कार्बो वेज की तुलना लाइकोपोडियम से की जाती है। देखो पेट की तीन दवाइयाँ खास है, एक तो चाइना है और एक कार्बो वेज है, एक लाइकोपोडियम है। खाना खाते ही पेट में तकलीफ होना कार्बो वेजिटेबल सॉरी लाइकोपोडियम पेस, खाना खाने के थोड़ी सी देर बाद तकलीफ होना इसके लिए नक्स वोमिका तीस, खाना खाने के एक या डेढ़ घंटे बाद तकलीफ होना चाइना तीस। वैसे पेट की हजारों दवाइयां हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ ये लिखते हैं कार्बो वेजिटेबल्स औषधि की एक से तीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। 3X आती है आजकल बढ़िया नहीं बनती है, तो आप 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी का ही प्रयोग करें। दोस्तों आज मैंने आपको दो भाग दिए, दो भाग का मतलब मैं लगातार 45 मिनट बोल गया और काफ़ी कुछ समझाना पड़ा। अब मैं जाते जाते आपको नाराज नहीं करूँगा, खुश करके जाऊँगा। इसमें नहीं है, अब जो मेरे को कहते हैं ना कि देख के बता दे, इसमें नहीं है। जो आदमी अपने शरीर को गलत आदतों से गलत खान पान से अपने वीर्य का नाश कर लेते हैं, वीर्य संबंधी कमजोरी आ जाती है, रोगी आंखें अंदर घुस जाती है, स्वप्न दोष हो जाता है, कोई काम करते हैं तो इच्छा नहीं करती है, शरीर के अंदर थोड़ा चलते ही थकावट आती है, कार्बो वेज 200 दिन में तीन खुराक 15 दिन देवे उसकी प्रॉब्लम, सेक्स संबंधी सब ठीक हो जाएगी, टाइमिंग की कमी। और अभी इनको अलग अलग बताने से कोई फायदा नहीं, वीडियो बड़ा बनता है, जबकि कहीं लिखा नहीं है कि ये सेक्स पावर को बढ़ाती है। ये मैं कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो क्यों बढ़ाती है अब ये और समझाऊंगा तो फिर और बड़ा ये वीडियो बन जाएगा। मेरा भी देखो गला सूखने लग गया, मैं अब 77 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स आपकी इच्छा हो तो करो ना तो ना करो, मेरे को कोई साथ में लेके नहीं जाना सब्सक्राइब, मेरे को तो बाबा बुलाएंगे उसी वक्त मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरे को शब्द कोई अगर लिखा है तो मैं झूठ नहीं कहता, मैं हनुमान भक्त हूँ, हालांकि मुझको उस जैसा नहीं होना चाहिए लेकिन मेरे को होना पड़ता है। फिर दो बात मेरे को भी गलत कहनी पड़ती है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कमेंट्स के अंदर आपको अच्छा लगे सुनिए, ना अच्छा लगे ना सुने, लेकिन ये बुड्ढा नेट में से देख रहा है, ये बुड्ढा, अरे तो तुम भी तो देखो ना, तुम्हारी क्या आंखें फूट गई क्या, दो मिनट बोल कर तो देखो कैसे बोला जाता है, कोई से बात तो नहीं कर सकते बाजार में जाकर के, और यहां कितने काम करने पड़ते हैं उसको पता नहीं है। पंजाबी में भी गाते हैं, हरियाणवी में भी गाते हैं, राजस्थानी भी गाते हैं, गाने भी गाते हैं, गजल भी गाते हैं, ठुमका भी लगाते हैं, कोई जब राह है ना पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार। अरे प्यार से रहो मेरे दोस्तों, दुनिया यूं ही तबाह हो रही है, कोई कुछ लाया नहीं कोई कुछ लेगा नहीं। और कभी मैं किसी को दो बात कह दूं कमेंट्स में तो मुझको माफ कर देना, क्योंकि मेरी आदत है, आदत से लाचार हूँ। हाँ चल रही धन्ना।